तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और आप लोगों को यहाँ पर सामने दिख रहा होगा कि कल का जो प्रेडिक्शन था वो क्या था कि मार्केट 39,430 पे मार्केट का निफ्टी बैंक का यहाँ पर रेजिस्टेंस है, राइट। अगर आज हम यहाँ पर देखेंगे, अगर आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन अगर क्लियरली दिख रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मार्केट का जो आज का जो हाई है, राइट, वो कौन सा है, 39,430 के ऊपर कैंडल ने एक भी यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी पाई, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा कल के लिए कुछ है नहीं, कल के लिए इट्स अ वेरी 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 सिंपल स्ट्रेटजी, राइट। पहली बात आप लोगों को बता दें कि द स्टॉक मार्केट इज द वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट बिजनेस, एक्चुअली वन ऑफ द नहीं, इट्स द मोस्ट रिस्कीएस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, राइट। स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के जाना इट्स लाइक कि शेर के मुंह में हाथ डालना, बिकॉज मार्केट में पैसा बनाना इज काफी काफी अच्छा माना जाता है, राइट। यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, आज काफी 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 लंबी देर तक क्या ना कंसोलिडेशन 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 चला 2 दिन के बाद, ठीक है। तो प्रीमियम में इतने ज्यादा मूवमेंट आए नहीं, बट स्टिल यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पे कैसे यहाँ पर एनालिसिस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, निफ्टी बैंक का एनालिसिस किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 39,430 जो हमने कल बताया था, तो रेजिस्टेंस वो अभी भी रेजिस्टेंस रहेगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये जो वाला जो पॉइंट है, कंसोलिडेशन करके गिरा, फिर कंसोलिडेशन करके गिरा, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के लिए ये जो कंसोलिडेशन रेंज है यहाँ पर, ये वाली रेंज और ये वाली रेंज, इस ये वाली रेंज को निकालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे बहुत नोट बना लेना जो लोग नोट बनाते हैं, यहाँ पे जैसे कंसोलिडेट कर रहा है गिर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है गिर रहा है, यहाँ पर भी सेम चीज होगी। तो मतलब मार्केट के लिए हर्डल्स कौन कौन से है कल के लेवल के लिए, मार्केट गैप अप खुला तो बात अलग है, लेकिन कल के लिए हर्डल्स कौन से है मार्केट के लिए है 39,280 का यहाँ पर एक, यहाँ पे एक आप लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, और दूसरा है 39,380 का यहाँ पर एक, यहाँ पर ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस बन गया है। मतलब यहाँ पर इतने सारे रेजिस्टेंस बन चुके हैं, राइट। यहाँ पे देखो क्यों, और ऊपर जो मेन जो रेजिस्टेंस है वो तो पहले से जो है वो है, यहाँ पर न्यू रेजिस्टेंस अब मार्केट में बन चुके हैं। अब हमारी यहाँ पे स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल रहेगी, क्योंकि कंसोलिडेशन करके गिर रहा है, कंसोलिडेशन करके गिर रहा है, तो सेम एज यूजुअल कि अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है, हम लोग अब जब भी बाय करेंगे, मतलब अब हम जब लॉन्ग जब यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर अब हम करेंगे 39,434 के ऊपर, बराबर ये वाली रेंज के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलेगा तब तक हम लोग यहाँ पर लॉन्ग नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर आज जिस हिसाब से कंसोलिडेट करके गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लोग एज अ सेलिंग की पोजीशन वहां पर बना रहे हैं, राइट। मतलब वहां पे लोग कॉल सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस बोलता है, राइट। अगर ऊपर जाएगा तो वो लोग ट्रैप होंगे, अगर ये रेंज के ऊपर निकल गया तो यस मार्केट विल लीड टू 40,000, यहाँ पे काफी ऊपर के लेवल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो राइट, अगर फ्लैट खुलता है और ऊपर की तरफ आता है और 430 के ऊपर जाता है और 430 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देता है, किसकी, बॉडी की क्लोजिंग होगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करेंगे, और ऊपर तक के हमारे यहाँ पर बिल्कुल टारगेट रहेंगे, राइट। वो मेक श्योर कि मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, तो आपको टेलीग्राम पे वो आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर आके ज्वाइन कर लेना। दूसरी चीज, मार्केट फ्लैट खोल के नीचे आता है, नीचे आता है तो यहाँ पर जो लास्ट आज जो बाइंग आई है, राइट, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि ये 39,000 का ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ये यहाँ पर बिल्कुल टेस्ट करेगा, ये बिल्कुल यहाँ पर टेस्ट करेगा। तो लेट सपोज कि कल मार्केट फ्लैट खुलता है, ऊपर की तरफ निकलता है, 430 के ऊपर निकलेगा तो हमारा बाय है, यहाँ पर 39,140 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कल मैक्सिमम जो चांस है कि कल मार्केट इसी रेंज में अटक जाए, क्योंकि मार्केट या तो ये अटक के अब गिरेगा या अटक के अब सीधा ऊपर जाएगा। तो सिंपल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मार्केट को कंसोलिडेशन करना जरूरी है, मार्केट यहाँ पर अब बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेच हो चुका है। यहाँ पे निफ्टी 50 में, यहाँ पर देखो निफ्टी 50 में क्या हो रहा है, हर बार क्या है, पहले सेल ऑफ आ रहा है, सेल ऑफ के बाद बाइंग आ रही है, यहाँ पर भी पहले धीरे 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 ऊपर गया, नीचे सेल ऑफ आया, फिर पूरा का पूरा खींच गया। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर 38,840 के ऊपर अगर यहाँ पर निकलता है, 38,840 के ऊपर यहाँ पे कल मार्केट निकलेगा तो हमारे लिए बाय होगा। यहाँ पे मार्केट ने आज डे का जो ये लो था ये बराबर यहाँ पर टेस्ट किया, जो था 17,760 का। अगर कल मार्केट इसके नीचे आता है, इसके नीचे आता है तो हमें यहाँ पे 17,700 के यहाँ पर लेवल आते हुए दिख जाएंगे, मतलब हमें यहाँ पे 30-40 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मेक श्योर कि हमारी यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या, इसके ऊपर निकलेगा तो हमारे लिए
17,920 के हमारे पास टारगेट रहेंगे, जो लेवल्स है जो मैं आपको वहां पे टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो मेक श्योर वहां पे आ जाना, ठीक है। वो लेवल्स आपको काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहेंगे। और यहां पे इसके बाद यहां पे अगर इसके नीचे ब्रेक किया, मतलब 17,760 के नीचे ये जो लेवल है 17,760 है, मेक श्योर मार्क कर लेना, इसके नीचे आया तो यहां पर हमें यहां पर नीचे का आएगा। लेकिन अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमेशा याद रखना कि मार्केट में आजकल प्रीमियम यहां पर ज्यादा सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, तो नो ट्रेड इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड। यहां पे अब आप लोगों के लिए यहां पे दो स्टॉक यहां पे निकाले गए, तो राइट मेक श्योर कि ये वीडियो को जब हम टारगेट लेते हैं वो हम लेते हैं 150 लाइक्स, ज्यादा नहीं, सिर्फ 150 लाइक्स के यहाँ पे, ठीक है। गुजरात गैस हमने आज यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, हमने इसका यहाँ पे कॉल भी दिया गया था फॉरेन एजुकेशन पर्पस। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इसकी जो 8 रुपए की कॉल थी वो यहाँ पर 9 रुपए की होगी, लास्ट में 9 रुपए की होगी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट पे ये देखो यहाँ पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम है। और यहाँ पे आज थोड़ा सा हल्का सा सेल ऑफ आया, पर नीचे वॉल्यूम में कुछ ज्यादा फर्क दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कल ये 486 के ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पर 500 के यहाँ पे टारगेट आते हुए यहाँ पर हमें बिल्कुल दिखेंगे, तो गुजरात गैस। बट इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, 470 का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, विथ यहाँ पे बाइंग करेंगे हम 500 के टारगेट के साथ। डीवी स्लैब में भी यहाँ पर अच्छा खासा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल ऑफ था, लेकिन आज जब दूसरे दिन जब मार्केट गिरा यहाँ पे सेलिंग तो हुई है, यहाँ पे सेलिंग हुई है क्योंकि यहाँ पे रेड पे बैठा, लेकिन ये क्या है, एक सपोर्ट पे भी आ गया, यहाँ पर ये एक सपोर्ट पे भी आ गया 3700 का, यहाँ पर एक बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है। अगर जब तक इसके ऊपर बना है तब तक हम यहाँ पे बाय करेंगे विथ टारगेट ऑफ 3800 के, क्योंकि ये वापस से रीअटेम्प्ट देगा। अगर ये कल 3700 के नीचे निकलता है तो हमें ये 600 मतलब 100 पॉइंट्स वापस से यहाँ पर डाउन आता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे एक नेक टू नेक बहुत अच्छी पोजिशन बन रही है। तो इसी के साथ आप लोगों को जो भी डाउट है नीचे मुझे कमेंट में बताइए, मेक श्योर कि ये वीडियो का टारगेट है वो है 150 लाइक्स, और ये आपको जो लेवल्स है वो मैं आपको यहां पर सुबह यहां पे टेलीग्राम पे आपको दे देता हूं। तो मेक श्योर कि ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाएं। एंड थैंक यू ऑल हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम सक्सेसफुल बनाने के लिए, ऑल सीट्स आर क्लोज, राइट। तो कुछ अगर नया आता है इन फ्यूचर, अभी तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर इन फ्यूचर कभी कुछ आएगा तो राइट, आप मेक श्योर कि इक्विटी किंग का ऐप डाउनलोड करके रखें, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और हमेशा याद रखना, इक्विटी किंग की सिंपल लाइन है, स्टार्ट लर्निंग स्टॉप गैम्बलिंग, तुक्के से खेला नहीं जाता है मार्केट। तो चलिए इसके साथ मिलते हैं कल।